हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। टेक आउट योर हिंदी स्वरचना बुक एंड ओपन पेज नंबर 3838। तो बच्चों, इसके पहले हमने क से लेकर श तक पढ़ा था। ओके, श शहद का। उससे पहले हमने ओ आ ई पढ़ा था, तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट अवर एनुअल सिलेबस। ओके, तो बच्चों आपको भी मेरे जैसी रिवीजन करनी। ओके, ओ ओ से अनार, आ आ से आम। कौन सा अक्षर है बच्चों ये? ई ई से इडली या फिर इमली। दूसरा ई ई ई से ईद। ऊ ऊ से उपहार। ऊ ऊ से ऊन। रु रु से ऋतु या फिर ऋषि। ए से एडी। ऐ ऐ से ऐनक। ओ ओखली। औ औ से औरत। अम या फिर हम अन भी कह सकते। ओके, अन से अंक या फिर अंगूर। और लास्ट वाला आहा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्वर आपको पहचानते आने चाहिए। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, फिर उसके बाद मैंने आपको क से स्टार्ट किया था, क से श तक हमारा हुआ था। ओके, ये रहा स्वर क। क से कमल। ख ख से खरगोश। ग ग से गगन। घ घ से घर। च से चटाई। छ से छत। ज से जहाज। झ से झरना। फिर है त्र। उसके बाद ट टमाटर। ठ ठटेरा। ड डफली। ढ ढक्कन। न देन न के बाद त त से तरबूज। थ थ से थर्मस। द द से दरवाजा। ध ध से धन या फिर धनुष। न न से नल। न के बाद प से पत्ता। फ से फल। ब से बटन। भ से भजन। म से मटर। फिर उसके बाद म के बाद य से यज्ञ। य के बाद र से रथ। ल से लड़का। ल के बाद कौन सा स्वर आता है बच्चों? व से वन या फिर वर्षा। एंड देन लास्ट वन श। श से शरबत या फिर शहद। ओके बच्चों, यहां तक हमारा थर्ड एंड फोर्थ यूनिट टेस्ट के पहले हुआ था, तो अब हमने यहाँ पर रिवीजन कंप्लीट कर ली है। तो आपको आज इतना ही वर्क है। ओके, कल से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे श से षटकोण। ओके, थैंक यू।